अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आयशास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं काली मिर्ची का चार। बनाने का तरीक़ा आज मैं सिखाती हूँ आपको, काली मिर्ची का चार कैसे बनाते हैं। और मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये है मेरी काली मिर्च जो मैंने 1 टेबल स्पून ली हुई है। यह है ज़ीरा और ये है लहसुन, हरा धनिया, और मैंने यहाँ पे रेड चिलीज ली हुई है वो करीबन 4, और मैंने एक प्याज जो बड़ी प्याज आती है वो एक मैंने काटी हुई है, और ये है मेरे टमाटोज, मैंने 5 टमाटोज ली है। एक्चुअली इन सारे इतने इंग्रेडिएंट्स में आप नियरली 2 to 3 पीपल्स सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे हैं मसाले। ये है मेरा चिल्ली पाउडर, ये येल्लो पाउडर, ये मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया हुआ है, और ये है ऑयल एंड दिस इज़ सॉल्ट। हमें पहले इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक तवे के ऊपर डाल के भून लेना चाहिए, लेकिन जैसे कि जब तक वो रेड कलर नहीं आता, तो मैं एक एक डाल के सब कुछ भूनना स्टार्ट करती हूँ। अभी देखिए मैंने इन सारे मसालों को भून लिया है। ये जब तक ऐसे रेड नहीं होता जब तक भूनना पड़ेगा। और ये है मेरे टमाटोस, टमाटोस को भी मैंने भून के रख लिया है। अभी हम इसको डालेंगे मिक्सी जार में। देखिए अब मेरा ये जो मसाले है वो रेडी है। ये धनिया और जो दूसरे मसाले थे वो मैंने रेडी कर लिया है, और ये है मेरा टमाटो प्यूरी। अभी हम इसको बनाने का तरीक़ा सीखेंगे। मैं अभी गैस ऑन कर लेती हूँ, और फर्स्ट थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम फर्स्ट डालेंगे इसमें ऑयल। इसके बाद फर्स्टली हम इसमें डालेंगे राई, राई जो हम बघार में यूज़ करते हैं कभी भी, उसे डालेंगे फर्स्टली। देखिए जब तक ये ऐसे पक नहीं जाता, इसको हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स नहीं डाल सकते, बस जब तक ये इतना उठता नहीं जब तक नहीं डालेंगे। फिर मैं इसमें डालूँगी ऑनियंस जो मैंने काट के रखे हुए हैं बघारने के लिए, छोटे छोटे पीसों में मैंने काट के रख लिया था। हाफ ऑनियन आप डालेंगे तो चलेगा। इसको ऐसे ब्राउनिश होने तक अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा। ये देखिए ऐसा जब तक फ्राई नहीं हो जाता आपको कोई दूसरा इंग्रेडिएंट्स नहीं डालना है। अभी मैं थोड़ा हींग डालूंगी। कोई भी ग्रेवी बना रहे हैं आप और आप थोड़ा हींग डाल देंगे तो उसमें जो किसी को भी हाजिमे में तकलीफ है वो अच्छे से हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा मैं हींग भी डाल रही हूँ, और इसके बाद ये सब ब्राउनिश हो गया है अभी, तो पहले हम डालेंगे हमारा वो जो हरिया मसाला मैंने पीस के रखा था वो डाल देंगे, ये वाला मैंने जो पीस के रखा था। इसको अच्छे से फ्राई करना है अभी, और इसमें मैंने जो मसाले मेरे रखे हुए थे, धनिया पाउडर, चिल्ली पाउडर, ये सारे जो थे मैंने ये डाल दूंगी। और इसको अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा। मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ, टेस्ट आपके हिसाब से कितना नमक चाहिए उतना हिसाब से नमक डाल लीजिए, और उसको अच्छे से फ्राई करिए। पहले हमको ये जो हरिया मसाला हम पीस के रखते हैं उसे अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा, बाद में हम टमाटोस डालेंगे।
ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया है अभी, तो मैं इसमें अभी टमाटो प्यूरी डाल देती हूँ। और फिर से इसको अच्छे से फ्राई होने छोड़ना है। ये देखिए ये भी अच्छे से फ्राई हो गया है, इसमें ऐसे उबाल आ रहे हैं अभी, तो हमको इसमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। ये ग्रेवी जो है बहुत पतली होगी तो अच्छा लगेगा खाने में, राइस के साथ आप जब खाएंगे जब अच्छा लगेगा। तो मैं अभी एक गिलास पानी इसमें डाल रही हूँ। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे रहना चाहिए। एक्चुअली इसमें साउथ इंडिया में इसको रसम भी बोलते हैं। अभी आपको कभी भी कोल्ड हुआ है और आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, आपका जो कुछ भी जैसे तबीयत अच्छी नहीं है, इस टाइम पर अगर आप भी ये पका के खाएंगे तो आपका जो कोल्ड है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। इसको ऐसे अच्छे से पकने देना चाहिए जब तक जैसे कि 10-15 मिनट्स, इसके बाद ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए अब हमारा काली मिर्ची का चार बनके तैयार है। इसको आप राइस के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैंने कहा था कि आपको कभी भी कोल्ड हो के रहेगा, उस टाइम पे अगर आप ये खाएंगे तो आपका कोल्ड जब सब जल्द से जल्द कम हो जाएगा। इतना था आपका हमारा ये काली मिर्ची का चार। अगर आपको इसे पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलामुअलैकुम।